बहुत शुक्रिया सत्र मुशायरे की इजाज़त से। गज़ल के चंद अशआर। हम जो बेदार हुए ऊँगे गफलत के बाद, सफीना डूब चुका था हम लाए कज़ाक के बाद। हम जो बेदार हुए ऊँगे गफलत के बाद, सफीना डूब चुका था हम लाए कज़ाक के बाद। रफ्ता रफ्ता गुल हुए वो जुनू के चिराग, रफ्ता रफ्ता गुल हुए वो जुनू के चिराग। रीत बस यही कायम रही ताराज तहजीब के बाद। रफ्ता रफ्ता गुल हुए वो जुनू के चिराग, रीत बस यही कायम रही ताराज तहजीब के बाद। और सिला कुछ यूं मिला उसे फन की इंतहा छूने का, सिला कुछ यूं मिला उसे फन की इंतहा छूने का। हाथ काट दिए गए मेमार के तामीर के बाद। बहुत शुक्रिया। सिला कुछ यूं मिला उसे फन की इंतहा छूने का, के हाथ काट दिए गए मेमार के तामीर के बाद। और आईना देखकर ये खुद से रूठ गए लोग, आईना देखकर ये खुद से लूट गए लोग। अब तारीख क्या हो रकम इस मौजे के बाद। आईना देखकर ये खुद से लूट गए लोग, अब तारीख क्या हो रकम इस मौजे के बाद। और आखिरी शेर है कि जाने वफा ऐ मेरी जहाने वफा तू मत आ, जाने वफा ऐ मेरी जहाने वफा तू मत आ। इश्क की सबा रूठ गई अब के खिजां के बाद। इश्क की सबा रूठ गई अब के खिजां के बाद। शुक्रिया ताहा यासीन, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, इस महफिल में शरीक हुए, कलाम पेश किया आपने। हाजिर महफिल गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर मेमन साहब ने, जो के सदर हैं टैक्स बार के, एक बात ये कही कि शुआरा को समाप्त करने से न सिर्फ हम ये जान पाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम ये भी जान पाते हैं कि दुनिया को कैसा होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के चेहरों पर मुस्कराहटें बखेरने के लिए ऐसी नशस्तों का अहतमाम बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उनके इस कहे हुए पर अमल करते हुए इस महफिल का रंग बदलते हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने की कोशिश करते हैं। इस शहर का एक बहुत अच्छा मिजाह लिखने वाला, जो अपने अंदाज से, अपने तरीके से शेर लिखता है और अपने अंदाज से पढ़ता है, आप पहले भी उन्हें सुन चुके हैं, आज फिर आप समाप्त फरमाइए। मेरी दरख्वास्त है जनाब अब्दुल हकीम नासिफ से, नासिफ से तशरीफ़ लाएँ, कलाम पेश करें अब्दुल हकीम नासिफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या है कि खामोशी बदबे सुखन में है ये कांटों की तरह, खामोशी बदबे सुखन में है ये कांटों की तरह, जिसमें कांटे ही हों वो गुलशन तो नहीं होता है, जिसमें कांटे ही हों वो गुलशन तो नहीं होता है। भाई बहनों में हूँ शायर, मुझे वाह वाह कहो, वाह वाह कहना करप्शन तो नहीं होता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई बहनों में हूँ शायर, मुझे वाह वाह कहो, वाह वाह कहना करप्शन तो नहीं होता है। अर्थ क्या है कि सानिया और शोएब एक हुए नेक हुए, सानिया और शोएब एक हुए नेक हुए। नेकियों का है अभी और भी इम्कान मजीद, नेकियों का है अभी और भी इम्कान मजीद। आपके मोदी सरकार आपके देश की बुढ़िया भी न छोड़ेंगे हम, है उधर रेखा कमारी तो इधर शेख रशीद। सानिया और शोएब, एहतिशाम साहब, सानिया और शोएब एक हुए नेक हुए, नेकियों का है अभी और भी इम्कान मजीद। आपके आपके देश की बुढ़िया भी न छोड़ेंगे हम, है उधर रेखा कमारी तो इधर शेख रशीद। और अर्ज किया है कि क्या हुआ अगर सो रही है कौम, सोने दीजिए। क्या हुआ अगर सो रही है खालिद साहब, कि क्या हुआ अगर सो रही है कौम, सोने दीजिए। आप देखेंगे तो फिर ताबीर भी ले लेंगे हम, आप देखेंगे तो फिर ताबीर भी ले लेंगे हम। हो गई ना सानिया मिर्जा हमारी दोस्तों, देख लेना एक दिन कश्मीर भी ले लेंगे हम।
देख लेना एक दिन कश्मीर भी ले लेंगे हम। अर्ज किया है कि देखिएगा इस नए अंदाज में कि फैशन के हवाले से देखिएगा कि फैशन के वास्ते किसी गुलनार ने कहा, वसीम आशी साहब, कि फैशन के वास्ते किसी गुलनार ने कहा हर कुछ कबूल कर लिया इसने जो दे दिया। फैशन के वास्ते किसी डॉक्टर अंसारी के फैशन के वास्ते किसी गुलदार ने कहा हर कुछ कबूल कर लिया इसने जो दे दिया। मैंने कहा गले का दुपट्टा किधर गया, बोली वो पीटीआई के मर्दों को दे दिया। फैशन फैशन के वास्ते किसी गुलदार ने कहा हर कुछ कबूल कर लिया उसने जो दे दिया। मैंने कहा गले का दुपट्टा किधर गया, गोली वो पीटीआई के मर्दों को दे दिया। गोली वो पीटीआई के मर्दों को दे दिया। ये नौजवान भी हैं साहब, नौजवानों की अजीब गरीब ब्रीड आई है कि नई नस्ल के देखो लड़के पुसड्डी, नई नस्ल के देखो लड़के पुसड्डी, बदन पर न पट्ठे न पट्ठों में हड्डी, अजीब ब्रीड आई है। नई नस्ल के देखो लड़के पसड्डी, बदन पर न पट्ठे न पट्ठों में हड्डी, मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर कबड्डी 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 कबड्डी, मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर। और ये इसी ब्रीड के हवाले से देखिएगा कि कलाई खुश्क सूखा जिस्म चेहरे पर निहायत डेंट, कलाई खुश्क सूखा जिस्म चेहरे पर निहायत डेंट, लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40वें का टेंट, लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40वां का टेंट। मैं डरता हूं न गिर जाए कहीं तहजीब से अखलाक, ये जालिम हद हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट, भाई तालियां नहीं हो रही है यार, समझने में टाइम लगेगा। कलाई खुश सूखा जिस्म चेहरे पर निहायत डेंट, लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40वें का टेंट। मैं डरता हूं न गिर जाए कहीं तहजीब से अखलाक, ये जालिम हद हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट, ये जालिम हद हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट। और जनाब अली ये देखिएगा कि बड़े शहरों के मसाइल हैं, कराची के भी मसाइल हैं, और सबसे पहले तो एक मसला ये देखिएगा कि मर्दुम शुमारी के हवाले से देखिएगा कि कोई समझाओ के औलाद में लोग, कोई समझाओ के औलाद में लोग बिला मकसद इजाफा कर रहे हैं। इधर बेटा भी मसरूफ अमल है, उधर अब्बा तमाशा कर रहे हैं, इधर बेटा भी मसरूफ अमल है, उधर अब्बा तमाशा कर रहे हैं। और अर्ज कीजिएगा तब्दीली के आसार मुलायदा हों हजरात, अर्ज करता हूं कि क्या है उम्मीद से बनी गाला, क्या है उम्मीद से बनी गाला, क्या नई फसल गुल का है इम्कान, क्या है उम्मीद से बनी गाला, क्या नहीं फसल गुल का है इम्कान। साफ लगता है तुमको 10 दिन की छुट्टियां चाहिए मियां कप्तान, छुट्टियां चाहिए मियां कप्तान। और जनाब मेरे बालों पे नहीं जाइए या मैं खुद करता भी है कि विग लगी होगी कि अर्ज किया है कि दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने कस के फिकरा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंग, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, भाई तालियां नहीं बजा रहे पीछे वाले यार, क्या बात है भाई, बड़े मुख्तदिर मेरे असातिज़ा यहाँ पे शोरा कराम है कि दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने कस के फिकरा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। अर्ज करता हूँ कि गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कदर खोते हैं, गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कदर खोते हैं, सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, ये हुई ना बात यार सलमान भाई, क्या कहने, गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कदर खोते हैं, सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं। और अर्ज किया है कि मोटे के दांत हैं एक दो, कि अर्ज किया है कि दोस्ती का भी शौक है तुझको, वेट थोड़ा घटा नहीं सकती, दोस्ती का भी शौक है तुझको, वेट थोड़ा घटा नहीं सकती, तेरी तस्वीर इतनी मोटी है फेसबुक में समा नहीं सकती। वाह
तेरी तस्वीर इतनी मोटी है फेसबुक में समा नहीं सकती, और फूल तो झूलते हैं शाखों पर, फूल तो झूलते हैं शाखों पर, पेड़ को झूलते नहीं देखा, पेड़ को झूलते नहीं देखा, मैं तुझे फूल मान लूं कैसे, फूल को फूलते नहीं देखा। वाह वाह वाह, मैं तुझे फूलते, मैं तुझे फूल मान लूं कैसे, फूल को फूलते नहीं देखा। और अर्ज करता हूं कि नौजवानी का जमाना याद कीजिएगा कि अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी, अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी। फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है, फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता तो तब तो सपनी आई है। अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी, फर्स्ट पोजीशन असीबाई फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था, मैं उसी को देखता था, सब तो सपनी आई है। और जनाब अच्छा मिजा वो है जो कि आप सोचते समझने में मजबूर कर दे। और अर्ज किया है कि हालात हाजरा से जरा सा करते हैं कि हम सभी जो है ना इस माहौल में रंगे हुए हैं कि काले करतूत कारनामे स्याह, काले करतूत कारनामे स्याह, काले पानी के हम जजायर हैं, काले पानी के हम जजायर हैं। थर को छोड़ो हमारे अंदर भी कोयले के बड़े जखायर हैं। थर को छोड़ो हमारे अंदर भी कोयले के बड़े जखायर हैं। और जनाब बात यह है कि अवामी एहतजाज देखिएगा कि गो के लेते हैं तुझसे डिक्टेशन, गो के लेते हैं तुझसे डिक्टेशन, मुंह में हम भी जबान रखते हैं, गालिब को लिया है मुंह में हम भी जबान रखते हैं, तू समझता है क्या हमें गूंगा, मुंह में पत्ती का पान रखते हैं, मुंह में पत्ती का पान रखते हैं। और ये देखिएगा जनाब अली अवामी एहतजाज है कि भूए रोटी जहां से आती हो, भूए रोटी जहां से आती हो उस नगर में हमें बसा डालो, भूए रोटी जहां से आती हो उस नगर में हमें बसा डालो, हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। क्या कहने, वाह 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 वाह, भूए रोटी जहां से आती हो उस नगर में हमें बसा डालो, हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। दो चार कतार अब गरीब के तर्जमानी कि जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। अबे गरीब कला में कहीं भी गुम हो जा, ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए। और जनाब ना तू जमी के लिए है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरा साथीदार ने पसंद फरमाया कि जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, की तस्वीर है साहब कि जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। अबे गरीब भला में कहीं भी गुम हो जा, न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए। और जनाब पूरी कौम की तर्जुबानी कर रहा हूँ, ये आपको जमहूरियत में नजर आएगा, माशाल्लाह में नजर आएगा, हमारे अपने घरों में नजर आएगा। अब कर रहा हूँ चार मिसरे हैं, तकरार लफ्जी है, हमारी पूरी 71-72 साल तारीख है। अर्ज किया है कि मजाहमत 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 मुखालिफत 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 मुनाफिकत 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 मफाहिमत 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 मफाहिमत। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहने क्या कहने। ये थे हकीम नासिफ, और चूंकि मजाक का एक एक एक, एक फजा बन चुकी है, आप लोग उससे लत्फंदोज हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसी तसलसल में मजाह के एक अगले शायर, बहुत अच्छे लेखार शेर कहने वाले, हमारे शहर के बहुत नामी गिरामी, तमाम दुनिया में मशारे पढ़ते हैं, इनको बुलाया जाता है, अपना अंदाज रखते हैं, अपना लहजा रखते हैं, मजाह में तशरीफ़ लाएंगे हैदर हसनैन जली से। तशरीफ़ लाइए हैदर हसनैन। भाई मैं तो अभी तक लेट आने की सज़ा ये है कि आपको एक मिनट का इंतज़ार करना पड़ा, अब जो ऊपर आ जाए मैं अभी जल्दी जल्दी उसको निकाल रहा था, यहाँ का माहौल क्या चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहरहाल कुछ ताज़ा कुछ बाज़ी किताब पेश करूँगा कि कितने दिन से
किस वैद्य भाई, कितने दिन से मैं भी रंडवा हूँ यहाँ अब दोस्तों। सच्ची बात है, 9 साल हो गए, बीवी चली गई। हाँ, कितने दिन से मैं भी रंडवा हूँ यहाँ अब दोस्तों, आपसे कप्तान मुझको सिर्फ इतना काम है। कप्तान तो समझ गए ना। हाँ, कितने दिन से मैं भी रंडवा हूँ यहाँ अब दोस्तों, आपसे कप्तान मुझको सिर्फ इतना काम है, तीसरी बेगम को जब छोड़े तो बतला दे मुझे, मुझको भी पीएम बनना है, जलीसी नाम है, मुझको भी पीएम बनना है, जलीसी नाम है। और एक और ताजा किताब के, एक मुजरिम बोला सुनकर जज से रिश्वत की सजा। ये रिश्वत ली दी जाती है, उसके ऊपर है ये। एक मुजरिम बोला सुनकर जज से रिश्वत की सजा, अदलिया अब लग रहा है यार उसकी हो गई, मैंने तब दी ली कहा तो कैद मुझको कर दिया, उसने तब दी ली कहा सरकार उसकी हो गई। भाई वाह वाह वाह, मैंने वो बेचारा रिश्वत कह रहा था, मैंने तब दी ली कहा तो कैद मुझको कर दिया, उसने तब्दीली कहा सरकार उसकी हो गई, उसने तब्दीली कहा। और एक कैदी कह रहा था जेल आकर दोस्तों, एक कैदी कह रहा था जेल आकर दोस्तों, भाई जिसको मैं था समझा वो मेरा भाई नहीं। सब कुर्सी के भाई होते हैं, भाई भाई का नहीं है। एक तवज्जो का तलबगार, एक कैदी कह रहा था जेल आकर दोस्तों, भाई जिसको मैं था समझा वो मेरा भाई नहीं, बच्चों का तो इल्म था कितनी मोहब्बत है उन्हें, ताहिरा सैयद भी लेकिन देखने आई नहीं, ताहिरा सैयद भी लेकिन देखने आई नहीं, ताहिरा सैयद भी। और कप्तान पे भी अगर आसान कहोगे आसान भी पेश कर दूंगा, ये ताज़ा चीज़ें पेश कर रहा हूँ, असातिज़ा बैठे हैं मेरे। एक कप्तान लफ्ज़ होता है कप्तान, काफ पे ते अलिफ नून, इसके हुरूफ पे तवज्जो रखिएगा, समझ में आ गया तो ज़रूर आप लोग खुश होंगे। कि क्या बताऊँ क्यों उसे कप्तान मैं कहता नहीं, क्या बताऊं क्यों उसे कप्तान मैं कहता नहीं, कैसे कह दूं मैं किसी को साफ गंदा देखकर, क्या बताऊं क्यों उसे कप्तान मैं कहता नहीं, कैसे कह दूं मैं किसी को साफ गंदा देखकर, पाक तन के हर्फ ही सब होते हैं कप्तान में, पाक तन के हर्फ ही सब होते हैं कप्तान में, इसलिए कप्तान कहता हूँ मैं बंदा देखकर, इसलिए कप्तान कहता हूँ मैं बंदा देखकर। एक अदालत में बहुत कुछ कह दिया। एक किता और सुन लीजिए कि पाकिस्तान में मिनिस्टर कैसे बनते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी कैसे बनाए जाते हैं, उस पर एक किता है के किसी मसनद पे, इस खिते का भी उन्वान है दोस्तों, तराजू का इमला याद रखिएगा, ते रे अलिफ ज़े वाव, इस पे सारा ये खिता डिपेंड करता है। कि किसी मसनद पे खोता है, किसी मसनद पे खोती है, किसी मसनद पे खोता है, किसी असेंबली हाल में चले जाए वहां भी यही मिलेगा, किसी मसनद पे खोता है, किसी मसनद पे खोती है, ये अब जमहूरियत कैसी है पूरी कौम रोती है, कभी ते रे अलिफ
जे वाव की तरतीब को उल्टो, तराजू को उलटने से विजारत सीधी होती है। तेरे अलिफ दे वाव वैसे भी उलट, तराजू को उलटने से विजारत सीधी होती है। और एक किस्सा, मैं इस तरह की किस्सा थी, अभी अभी मैंने यहाँ निकाले थे। एक लफ्ज होता है इतना सा, थोड़ा सा जरा सा जैसे होता है इतना सा, इसको दिमाग में रखिएगा कि एक दहशत गर्द बोला हो के शामिल राह में खुद, एक दहशत गर्द बोला हो के शामिल राह में खुद, राह को राह कहते हैं क्यों अब आशकारा हो गया। इतना सा था असलहा कलमा पकल पास मेरे दोस्तों, फिर से बड़े जबान लड़खड़ा गई, फिर से पेश कर रहा हूँ। एक दहशत गर्द बोला हो के शामिल राह में खुद, राह को राह कहते हैं क्यों अब आशकारा हो गया। इतना सा था असलहा कल पास मेरे दोस्तों, इतना सा मिलते ही राह से इतना सा राह हो गया, इतना सा मिलते ही राह से इतना सारा हो गया, और इतना सारा हो गया। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, जिस दिन शादी हुई मेरी 1984 में। आज तक ये किस्सा ताज़ा है और हर मुशायरे में ये बता के पढ़ता हूँ कि आज तक ये ताज़ा है। मेरा पर्सनल केस है तमाम बहन बेटी माओं के माजरत के साथ, कि जिस दिन शादी हुई दूसरे दिन अल सुबह ये किस्सा हुआ कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के, मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उरूजो सवाल के। मतलब अब यार इतनी देर से मैं अपना दिमाग खपा रहा हूँ, पहले बताते ये मांग रहे हो, आप ही बता देते यार। अच्छा तो हज करके, अरे सर दूसरा इतनी देर में पढ़ दूंगा। हज करके क्या बताएं सब कुछ बदल गया है, हज करके क्या बताएं सब कुछ बदल गया है, जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं, अब इश्क विश्क कैसा अब कैसी ताड़ा तूड़ी, महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं, महबूबा को भी हम तो अब बाजी कह रहे हैं। और ये मैंने बताया था जब बेगम का इंतकाल हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त बहुत से दोस्त, कई लोग मेरे मुझसे उन्होंने हुक्म दिया, गुजारिश नहीं हुक्म दिया, और इस्लामी कायदे से हुक्म दिया। सबसे बड़ी मिसाल इनायत भाई भी मौजूद है मेरे बुजुर्ग, कि आप फौरन शादी कर लें, इस्लाम आपको ये कहता है। अगर वो क्या करूँ, अब मैं इतना पक्का मुसलमान नहीं हूँ, वो मेरे दिमाग से निकल के ही नहीं देती कि मैं कोई दूसरी सोचूं। उस पे एक किता है दोस्तों का जवाब, ये जो हंस रहे हैं ना सईद आगा पीछे बैठे, ये भी पीछे पड़ गए थे। बहरहाल तो उस पे एक जवाब है कि कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रणवे की जिंदगी है सरासर मलाल की, हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। और एक किस्सा और सुन लीजिए, एक किस्सा इसका उन्वान है मुस्कुराहट, इस पे भी तवज्जो दीजिएगा हुरूफ पे, के मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, मुस्कुराकर देखती हैं, मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां,
चेहरे की, पर इस सजावट में बनावट भी तो है। मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। भाई वाह 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 वाह, भाई क्या फलसफी है ना, बातें कर रहे हैं आप भाई, वाह वाह वाह। मुस्कुरा कर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है। मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। और शायरा एक कह रही थी है जली सी सीनियर, शायरा शायद भाई शायरा एक कह रही थी है जली सी सीनियर, सीनियर लेकिन कभी भी बन नहीं सकते हैं वो। मैं भी अब कहती नहीं इनको जली सी सीनियर, सीनियर कहती हूँ जब नजदीक से तकते हैं वो, सीनियर कहती हूँ। आप लोगों को घर जाके समझ में आ जाएगा, मुझे मुझे खत में दाद भेज दीजिए। सबको समझ आ गया है, इधर हसनैन जली सी सबने समझ लिया है, आप कह क्या रहे हैं जी। बहरहाल एक कथा और सुन लो यार, वो कथा जो मैं सुनाना चाहता था वो तो मिक्स हो गया। आगा भाई वो कौन सा था जो आप भी कहते थे कि यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, हाँ ये आ गया आ गया आ गया। हाँ एक हमारे अदालत में बैठा हूँ भाई, मैं हर एक पे लाठी घुमाता हूँ, हाँ कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है, हाँ हाँ इत्तेफाक भी किसी से नहीं है। हाँ हाँ ये एक साहब दुबई में कहाँ इंग्लैंड में एडमिट हो गए थे, तो हम टीवी पे बैठे देख रहे थे, 15-20 मिनट हो गए कुछ पता नहीं चल रहा था एडमिट क्यों हुए हैं। बहरहाल एक उनकी पार्टी के निकले जो कभी कभी हकलाते हैं, उन्होंने जो टीवी कैमरामैन को जो बताया, तो हमने उसी वक्त किता मंजूम किया था कि हकले ने यूं बयां की हलालत उभार के, सर तवज्जो का तलबगार, पढ़िए पढ़िए। हकले ने यूं बयां की हलालत उभार के, सब राज फाश कर दिए अपने ही यार के, बीमार कहते वक्त वो बी पर अटक गया, कहने लगा के दिन है बुरे बी बी मार के, कहने लगा के दिन है बुरे बी बी मार के। और फजलू की शादी के 10 दिन बाद, ये हमारा इस ऑफिस मेट था, उसकी शादी हुई थी, उन दिनों में जलजले आए और वहाँ हिल एरियाज में बहुत अमवात हुई, तो उसके बाद 3-4 क़ियाम मुशायरे हुए जिनमें मेरा भी नाम था, एक पढ़ा था बाकी नाम काट दिया गया, वो इस कते के ऊपर के फजलू की शादी के 10 दिन है ना, ये तो कोई दाग नहीं देगा, ये मर्दों की मुझ समीत असली खसलत बयान की है, आप लोगों की दाद आनी चाहिए, माना 3 ही बैठी हो। ये फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, उसकी बीवी मर गई क्या गम वो ये सह पाएगा, हमने फिर शादी करा दी उसकी अब कहता है वो, कब के 10 दिन हो चुके फिर जलजला कब आएगा, कब के 10 दिन हो चुके फिर जलजला कब आएगा। दो किताब और सुन लीजिए फिर मैं इजाजत चाहूंगा, दो किताब के बाद इजाजत, और इसलिए मेरे पास तो के एक किताब एक, मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है, हाँ हमारे यहाँ ईद मिलना गले मिलने को कहा जाता है, ईद के दिनों में वैसे नहीं, हाँ के मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है, तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती हैं जबां से, मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है, तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती हैं
जबां से उनकी मैं इनकार सुनकर शाद होता हूँ कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती हैं कि उर्दू में नहीं। और एक किताब बहुत मेहनत से हो गया है, उसको आखिर में पेश कर रहा हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा। तवज्जो का तलबगार ताज़ा किताब है, शायद ही कहीं पढ़ा है अभी तक, के दोस्तों बाज़ शोरा हज़रात मुझ समीत मुशायरों में उमूमन नहीं जाते मधु होने के बावजूद, तो क्यों नहीं जाते, उनमें से बहुतों की मजबूरी ये भी हो सकती है कि मेरी मजबूरी चौथी शादी है। हाँ, कि इस खिते का दे एक बात बता दूँ, आखिरी खिता है, किसी मिसरे में अगर दो दफ़ा एक ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसको सुकुम गर्दाना जाएगा, ऐब गर्दाना जाएगा। अगर वही लफ्ज जो दो बार इस्तेमाल हुआ है दोनों जगह अपने अलग माने उजागर कर रहा है तो इसको हम फनकारी कहते हैं। अब तवज्जो का तलबगार आखिरी खिता, सामान भी तैयार कर लूँ इसलिए इस खिते के बाद उठना ज़रूरी हो जाता है। हाँ, लफ्ज है गैर हाजिर के, चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे, पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरी मेहनत बेकार ना हो, आखिरी खिता के इस वक्त डांटने की आपको इजाज़त है। हाँ, चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे, आपने मुझको बुलाया खैर हाजिर हो गया। चौथी बीवी की मोहब्बत क्या बताऊं आपको, गैर हाजिर जब हुआ मैं गैर हाजिर हो गया। मैं अब दरख्वास्त गुजार हूं एक ऐसी शायरा से जो बरतानिया में मुकीम हैं, वहां की नेशनलिटी है मगर वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आती हैं, उनकी एक तंजीम भी है यॉर्क शायर अदबी फोरम, उसके प्लेटफॉर्म से वो यहाँ शुअरा को अवार्ड्स भी देती हैं, तकरीबन हर साल आती हैं, आज इस तकरीब में शरीक हैं। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ माइक पे आएँ और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा गज़ल अंसारी साहिबा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद के खुश पेशा कहा जाता है वकालत को, जज हों या कोई भी, बट हमारे सामने यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो जजेस भी हैं एडवोकेट्स भी हैं लेकिन उनका जो अदबी ज़ौक़ है वो बहुत आला है और ख़ुद भी लिख रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं क्योंकि एक लॉयर ही हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं आज अपने ख़ानदान के दरमियान हूँ। अब मैं छोटी सी नज़्म अपने तारुफ में, ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, हुस्ने सूरत तो नहीं है कोई, हुस्ने सूरत तो नहीं है कोई, रोशनी ये मेरे अफकार की है, रोशनी ये मेरे अफकार की है, एक अलामत ये मेरी सोच की है, एक निशानी मेरे किरदार की है। क्या कहने, क्या कहने? वाँ, 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 वाँ। आप ये इतनी सी ही थी, तारुफ कम कराया था। ख्वातीन बैठी हुई हैं आपके लिए एक दो नज़में छोटी सी। ज़रूरतों के इवज रखा था रहन खुदी को, ज़रूरतों के इवज रखा था रहन खुदी को, मिले थे जब तुम जमाने पहले, ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी हैं तमाम कर्जा चुका दिया है, ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी हैं तमाम कर्जा चुका दिया है, चलो मुझे अब रिहाई दे दो मैं सूद में ख़त्म हो रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं कोई खिलौना हूँ, मैं कोई खिलौना हूँ खुद सरी के परवरदा एक ज़िद्दी बच्चे का, मैं कोई खिलौना हूँ खुद सरी के परवरदा एक ज़िद्दी बच्चे का, जिसको मेरी कीमत का कुछ नहीं है अंदाज़ा, खेल कर वो कुछ लम्हे मुझको तोड़ देता है, खेल कर वो कुछ लम्हे मुझको तोड़ देता है और एक कोने में रख के छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया। कुछ अशार मुख्तलिफ गज़लों से, उलझन इकरार की है और ना इनकार की है,
उलझन इकरार की है और न इनकार की है, असल में बात फकत जुरत इजहार की है। उलझन इकरार की है, उलझन इकरार की है और न इनकार की है, असल में बात फकत जुरत इजहार की है। और बावजू नजरों से देखा है इबादत की तरह, बावजू नजरों से देखा है इबादत की तरह, कैसी शफाफ नजर मेरे तलबगार की है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, दर्द के सायबान में गुजरी, जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, दर्द के सायबान में गुजरी, जिसके दीवारों दर शिकस्ता थे, उम्र ऐसे मकान में गुजरी। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशार पेश खिदमत हैं। बिफरे दरिया की रवानी से निकल आए हैं, आया सब आपकी नजर। बिफरे दरिया की रवानी से निकल आए हैं, हम बिना भीगे ही पानी से निकल आए हैं। बिफरे दरिया की रवानी से निकल आए हैं, हम बिना भीगे ही पानी से निकल आए हैं। और कम से कम इतने समझदार हुए हैं बच्चे, कम से कम इतने समझदार हुए हैं बच्चे, राजा रानी की कहानी से निकल आए हैं। कम से कम इतने समझदार हुए हैं बच्चे, राजा रानी की कहानी से निकल आए हैं। और आईना देख के हैरान हुआ है क्या क्या, आईना देख के हैरान हुआ है क्या क्या, आंख झपकी थी जवानी से निकल आए हैं। आईना देख के हैरान हुआ है क्या क्या, आंख झपकी थी जवानी से निकल आए हैं। और सुन ले ऐ हमको तन आसान समझने वाले, हम दबे पांव कहानी से निकल आए हैं। सुन ले ऐ हमको तन आसान समझने वाले, हम दबे पांव कहानी से निकल आए हैं। और हम के हिजरत के अजाबों से गुजरने वाले, हम के हिजरत के अजाबों से गुजरने वाले, आखिरश नकल मकानी से निकल आए हैं। आखिरश नकल मकानी से निकल आए हैं। और आगे का सलमान आपकी तरह मैं भी भूल गई, अल्लाह का शुक्र। और कुछ तरन्नुम से सुनाऊंगी, एक दो, एक चंद अशार ज़रूर पेश करूंगी, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो हम यहाँ नहीं रहते, हमारे दिल अब भी आप लोगों के साथ ही धड़कते हैं। और वहाँ क्या होता है, जब जब गए थे तो बहुत याद आता था, लेकिन अब 25 साल हो गए, दोनों घर अपने ही लगते हैं। तो उसमें दो चार अशार हैं कि वतन छोड़े ज़माना हो गया है, वतन छोड़े ज़माना हो गया है, ये दुख भी अब पुराना हो गया है। वतन छोड़े जमाना हो गया है, ये दुख भी अब पुराना हो गया है। यहाँ आए थे कुछ पैसे कमाने, यहाँ आए थे कुछ पैसे कमाने, यही अब आशियाना हो गया है। यहाँ आए थे कुछ पैसे कमाने, यही अब आशियाना हो गया है। ये मानो या ना मानो दिल तुम्हारा, ये मानो या ना मानो दिल तुम्हारा, हमारा आस्ताना हो गया है। ये मानो या ना मानो दिल तुम्हारा, हमारा आस्ताना हो गया है। बहुत शुक्रिया। और हुए नादान जब से दोस्त मेरे, हुए नादान जब से दोस्त मेरे, मेरा दुश्मन भी दाना हो गया है। हुए नादान जब से दोस्त मेरे, आप ताली बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया। एक खातून ही काम आए आखिर में, खामखा लोग कहते हैं कि खवातीन खवातीन से जलती हैं, बजा दें तालियाँ, ज़रा गर्मी हो जाएगी। एक आपकी नज़र, एक नज़म का एक बंद। मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ, मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ, फसुरदा सी परेशान सी उसी को याद करती हूँ, परेशान सी उसी को याद करती हूँ, पता चलता नहीं जाने वहाँ क्या भूल आई हूँ। तुम्हें मिल जाए मेरी चीज़ कोई तो बता देना, तुम्हें मिल जाए मेरी चीज़ कोई तो बता देना, तुम्हारे शहर में क्या क्या न जाने भूल आए हूँ। बंधे हाथों से तुमको देखना मिलना गवारा था, बंधे हाथों से तुमको देखना मिलना गवारा था, पुरानी याद का कुछ कर्ज हम पर भी उधारा था, मगर कुछ और कर्जा फिर से अपने साथ लाई हूँ। मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ। न तुम नाराज़ होना जब भी मौका मिल गया मुझको, न तुम नाराज़ होना जब भी मौका मिल गया मुझको, तो असलो सूद सब वापस तुम्हें लौटाऊंगी एक दिन,
तो असलो सूद सब वापस तुम्हें लौटाऊंगी एक दिन, तुम्हें मिलने दोबारा लौट कर मैं आऊंगी एक दिन। मैं अपने दिल के दरवाजे की चाबी छोड़ आई हूँ, मैं वापस तो चली आई हूँ, खुद को भूल आई हूँ। बहुत शुक्रिया। फातिमा की फरमाइश पर दो तीन अशार तरन्नुम से और फिर आपसे रुखसत। दिल जिसे चाहे वो मिल जाए, जरूरी तो नहीं। दिल जिसे चाहे वो मिल जाए, जरूरी तो नहीं। दिल का हर जख्म ही सिल जाए, जरूरी तो नहीं। दिल जिसे चाहे जो मेरे दिल में रहा, जो मेरे दिल में रहा, फूल में खुशबू की तरह, जो मेरे खुशबू की तरह, वो कली बन के भी खिल जाए, जरूरी तो नहीं। वाह वाह वाह।